जन्म जन्म
वृंदावन को वास, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तुना शत विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी। आइए हम कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय। आओ आओ मेरे नंदलाल Oh,
Thank you.
आओ आओ मेरे नंदलाल सभी महान भाव आज प्रभु कृपा से हम चतुर्थ दिन की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और कल आपने नरसिंह अवतार की कथा को सुना। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, जो कि भगवान का ये वांग्मय रूप है, शब्दमय रूप है। प्रथम और द्वितीय स्कंध पात्र और अधिकारी स्कंद है। तृतीय स्कंद का लक्षण है सर्ग। सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद का लक्षण है विसर्ग। विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार। पंचम स्कंध का लक्षण बताया है स्थान, जिसमें भूगोल खगोल का वर्णन किया है। और षष्ठ स्कंध का लक्षण बताया है पोषण, अनुग्रह, जिसको महाप्रभु जी ने कहा पुष्टि। और सप्तम स्कंद का लक्षण है उति। उत है कर्म वासना। ये तीन प्रकार की वासना होती है बंधु जीव के अंदर, सद्वासना, असद्वासना और मिश्रित वासना। और श्रीमद् भागवत के सप्तम में 15 अध्याय है, ध्यान देना। और पहले अध्याय से 10वीं अध्याय तक माने 10 अध्याय में संपूर्ण रूप से श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र वर्णित है, और जिसमें तीनों वासनाओं का रूप बताया है। सद्वासना का स्वरूप है प्रहलाद, और असद्वासना का रूप है हिरण्यकश्यपु, और मिश्रित वासना का रूप है हम सब, आप और हम के अंदर सद्वासना भी होती है और असद्वासना भी। कभी सद्वासना से हम घिर जाते हैं तो कभी असद्वासना अंदर आ जाती है। प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान का दर्शन करके कल बड़ी सुंदर एक बात कही,
कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणै रघुना विप्रोः किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा कि ब्रह्मादिक देवता कितने 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 दिनों से हे नरसिंह प्रभु हे परमात्मा आपकी स्तुति गा रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना से उनकी स्तुतियों से आप अभी तक प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन मैं एक बालक हूं, और मेरा जन्म भी हरिरुग्र जाते उग्र जाति में हुआ है। हमारे अंदर उग्रता है, तमोगुणी हमारी वृत्ति है, मैंने दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु देवता नहीं था, दैत्यों का राजा है। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान को कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी इस उग्र जाति में हुआ है, इस दैत्य कुल में हुआ है, पर मैं एक बात जानता हूं। कितनी बढ़िया बात कह रहे कि प्रभु एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण के अंदर द्वादश गुण है, 12 गुण है जो ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए, लेकिन द्वादश गुणों से युक्त ब्राह्मण के अंदर यदि आपके चरण कमल में प्रेम नहीं है तो आप उस ब्राह्मण से भी प्रसन्न नहीं होते, ऐसा कहा। लेकिन एक स्वपच, स्वपच कहते हैं संस्कृत में, स्वपच माने कुत्ता का मांस पकाकर के खाने वाला, उसको कहते हैं स्वपच। प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसे स्वपच के अंदर भी यदि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे नरसिंह, तो आप उस स्वपच की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का केवल एक ही कारण है, वो है प्रेम, भगवत प्रेम। कि जिह्वैः कदोचित विकर्षति माव तृप्ता। देखिए जीवन का यथार्थ स्तुति में प्रहलाद जी महाराज ने रख दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी हे अच्युत, मेरी जीव ये जिह्वा को स्वाद खींच रहा है, और कितना मैंने इस जिह्वा से स्वाद लिया लेकिन अभी तक तृप्त नहीं हुई। सोचो, ये तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन हम यदि इस बात को अपने जीवन में सोचें, कितनी बार हमको रसगुल्ला खाने को मिला, डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई अब डायबिटीज है, छोड़ो ना रसगुल्ला खाना, लेकिन सामने जब रसगुल्ला आता है तो हम कहते हैं कि एक गोली या एक इंजेक्शन ही तो लगाना पड़ेगा, लेकिन रसगुल्ला कैसे छोड़ दें। अरे भैया चलो रसगुल्ला खाना है तो गुल्ला गुल्ला खा लो, रस को तो छोड़ दो। बोले हमको तो रसगुल्ला ही खाना, जिसमें रस नहीं वो गुल्ला, रसगुल्ला कैसा।
कितना स्वाद इस रसना को हमने दिया। देखो कितने कमाल की बात है, आज शरीर व्यक्ति का अनेक अनेक रोगों से घिरा हुआ है, लेकिन हम यदि भागवत की बात को मान लें तो हमारे जीवन में रोग कभी आमे ही नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, हम इतना स्वाद लिए कि तृप्त नहीं हुए, क्योंकि स्वाद लिए, जब व्यक्ति स्वाद में चला जाता है तो कभी तृप्त नहीं होगा। इसलिए तो हमारे यहां ये व्यवस्था है, स्वाद नहीं प्रसाद। प्रेम से कहो श्री राधे प्रसाद। और प्रसाद के बहाने तो मैं देखता हूं लोग कहते हैं कि चलो प्रसाद है ये रखा है, तो प्रसाद में तो बहुत सी मिठाइयां रखी हैं, तो प्रसाद है ये, तो चलो एक जलेबी भी खाएं, एक रसगुल्ला भी खाएं, अब सब प्रसाद ही तो है। नहीं नहीं, प्रसाद शब्द का मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम प्रसाद को भी प्रसाद नहीं समझ रहे। प्रसाद शब्द का अर्थ देखिए क्या है, ये तीन शब्द हैं, प्र सा द, तीनों का अर्थ क्या है। वास्तविकता में मिठाई या भोजन भोग लगा वो तो प्रसाद है, बिल्कुल है, वो तो हमको लेना चाहिए, कोई मनाही नहीं, वो तो प्रसाद लेना ही है। लेकिन प्रसाद शब्द का वास्तविकता में अर्थ है प्र माने प्रभु, नोट करिए प्रभु, प्र माने प्रभु, ये प्रभु शब्द में से लिया है प्र। सा माने साक्षात, द माने दर्शन। यदि जीवन में हमको प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए तो हमको प्रसाद मिल गया। प्रभु साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। मंदिर में आकर के हमको प्रसाद मिला ना मिला कोई चिंता मत करना, लेकिन यदि प्रभु का दर्शन हो गया साक्षात तो समझ लेना हमको प्रसाद, प्रभु साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। लेकिन आज प्रहलाद जी महाराज भी कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां, रस इंद्रियां, रसना की ओर दौड़ रही है, मेरी कर्ण इंद्रियां शब्द सुनने के लिए भाग रही है, मेरी त्वचा स्पर्श के लिए लालयित हो रही है। कहते हैं प्रहलाद जी महाराज या भगवान को कि प्रभु मेरी तो उसी प्रकार से स्थिति हो गई है जैसे कि बभ्यः सपत्न्यं पतिगेह नुनंती। कहते हैं कि मेरी स्थिति उस प्रकार से हो गई है जैसे कि एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां हों। प्रेम से कहो श्री राधे। बभ्यः सपत्नम्, पति नुनंती, वो मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं कभी कभी, वो विनोद नहीं है, दृष्टांत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, एक ऊपर वाली और दूसरी नीचे वाली। तो उस घर में एक चोर चोरी करने को आया, ध्यान से सुनना, क्या दो पत्नियां थी, अब जब आया रात्रि में पति तो ऊपर वाले के पास ऊपर कमरे में जाने लगा, नीचे बीच में जीना था, सीढ़ियां थी, तो नीचे वाली ने देखा, जब मध्य सीढ़ी तक पहुंचा तो नीचे से उसने उसकी टांग पकड़ ली, ऊपर वाली ने हाथ पकड़ा हुआ है,
अब वो चोर आया तो चोरी करने के लिए था, लेकिन चोरी करना तो भूल गया, इस नाटक को देखने में लग गया। ऊपर वाली अपनी ओर खींचती है, नीचे वाली अपनी ओर खींचती है, ऊपर वाली अपनी ओर। रात भर यही नाटक होता था। वो चोर चोरी करना भूल गया तो सुबह हुई और सुबह पकड़ा गया। जब कोर्ट में जज के सामने खड़ा किया तो उसने जज के बोलने से पहले ही जज को कहा कि साहब, आप जो भी कुछ मुझे सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन एक सजा मत देना, मुझे दो पत्नियों का पति नहीं बनाना। बस प्रहलाद जी महाराज यही भागवत में कह रहे हैं कि ये इंद्रियां भी यही हमारी स्थिति कर देती हैं, अपनी अपनी ओर खींचती हैं, कभी काम कभी रसना कभी नासका। ये जो 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि प्रत्येक इंद्रियों में आपका निवास हो जाए। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि प्रत्येक इंद्रियों में परमात्मा का निवास किस प्रकार से, बस आंखें, हम आंखों से रूप तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी जाके मंदिर में भगवान की रूप माधुरी का दर्शन भी तो करो। इन कानों को कितना हमने शब्द दिया, लेकिन कभी जाके भगवान की कथा भी सुनो। कितना हमने नासका से अनेक परफ्यूम सूंघे, लेकिन कभी सोचा कि भगवान के चरणों में जो तुलसी पड़ी है उस तुलसी की गंध को भी सूंघ करके देखना, उसमें कितना भीनी सुगंध होती है तुलसी के अंदर। सुनना, भागवत में कितने भक्तों ने भगवान से कहा है कि प्रभु आपके चरणों में जो तुलसी पड़ी है उसकी गंध हम अपनी नासिका से सूंघें। बड़ी मीठी सुगंध होती है तुलसी की, बहुत मीठी सुगंध होती है। तो नासिका से तुलसी की गंध को, सुगंध को हम सूंघें। यदि जिह्वा कुछ मिठाई मांगे भी तो प्रसाद स्वाद नहीं, प्रसाद समझ करके उस मिठाई को किनका मात्र ही लीजिए, क्योंकि प्रसाद कभी भी पेट भर करके नहीं लिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि 9 बजे जो हमको प्रसाद मिलेगा तो क्या हम, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बात जो कहना चाहता हूं उस पर ध्यान देना। प्रसाद जो मिला है, माने ऐसा नहीं हो कि प्रसाद की महिमा है हमको बांट करके खाना चाहिए। कभी कभी प्रसाद थोड़ा होता है, जैसे हम लोग जब प्रसाद लेते हैं तो थोड़ा ही तो मिलता है ना हाथ पर, जैसे प्रसाद मिलता है तो कहते ना भाई अकेले प्रसाद मत खाओ, घर में भी जाके सबको प्रसाद। और देखो आज तो नंदोत्सव है, प्रसाद ही प्रसाद है, तो आज का भी प्रसाद जब लूटने को मिलेगा तो घर जाकर के बच्चों को भी प्रसाद देना, सबको देना। तो प्रसाद सबको बांट करके खाया जाता है, प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सबसे बड़ा प्रसाद तो यही है कि आपका आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। प्रसादे सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हमारे दुखों का नाश होता है, लेकिन भगवान का दर्शन करने से भी। श्रीमद् भागवत कहती है इसलिए नियम बना लो कि अपने आसपास में जहां भी मंदिर हो, टाइम मिले, यदि कभी मंदिर से सामने से आप निकलो, समय हो तुम्हारे पास, तो मंदिर को लांघना नहीं,
यदि राधा कृष्ण मंदिर के सामने से जा रहे हो, अति व्यस्तता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन समय हो तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक करके प्रभु का दर्शन करके निकलना। न जाने कितने संकट, कितने विपत्तियां, कितने दुखों का निवारण आपका हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति में, क्योंकि बहुत 42 श्लोक है, एक एक श्लोक बड़ा मार्मिक है भागवत का, 42 श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। तो भगवान ने कहा कि बेटा तू मेरे से वर मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए कि यदि राशीष ने कामान वरास्तम वरदर्श कामानां हृद सन्नोहं भवतस्तु व्रणे वरम। आपसे एक ही वर है, क्योंकि जिसको आपका जैसा वर, देखो वर शब्द का अर्थ होता है, कहते ना जब शादी में दूल्हा सजता है तो उसको हम क्या कहते हैं, और लड़के को क्या कहते हैं, वधू। वधू शब्द का अर्थ ही संस्कृत में बधनाति वधू, जो बांध के रखे प्रेम से कौर से। वधू शब्द का अर्थ ही जो बांध रखे, बदनाती बदू। लेकिन लड़के को कहते हैं बर, बर। तो बर शब्द का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जिसको आप मिल जाएं उसको और क्या बर चाहिए, और क्या चाहिए। जिसको भगवान मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, वो और क्या प्रभु से मांगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आप जैसा वर मुझे मिल गया, श्रेष्ठ इतना मुझे वर मिल गया, तो मैं क्या मांगू। यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए। देखिए इसी श्लोक में दो संकेत प्रहलाद जी महाराज ने कर दिए कि आप स्वयं वर हैं, वरदान है, श्रेष्ठ है, लेकिन यदि आप वरदान देना भी मुझे चाहते हैं तो यह वरदान दे दीजिए कि कामानां हृद सन्नोहं भवतस्तु व्रणे वरम, कि मेरे अंदर कभी भी कामना का बीज अंकुरित ना हो, मेरा जीवन निष्काम हो जाए। बस। तो प्रहलाद जी ने जब भगवान को कहा तो भगवान प्रहलाद जी से बोले कि बेटा ये तो मैं देता ही हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है उसका जीवन निष्काम हो जाता है, तू कुछ मेरे से मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि प्रभु आप बार बार ही मुझे आदेश कर रहे हैं कि मेरे से कुछ मांग ले, मेरे से कुछ मांग ले, तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान को लगा कि अब कोई करोड़ से बात शुरू करेगा, प्रेम से कहो श्री राधे। पर प्रहलाद कोई सामान्य नहीं है। आज किसी भक्त को भगवान कह दे कि तू मेरे से कुछ मांग ले तो लाख से तो बात शुरू होगी ही नहीं, करोड़ से ही कलम चलेगी। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मैं किसी पिता का पुत्र भी हूं, आपका भक्त तो हूं, लेकिन मैं किसी पिता का पुत्र भी हूं और मेरे पिता आपके चरणों में मृत पड़े हैं, मृत पड़े हैं, क्योंकि मेरे पिता ने आपका बहुत अपमान भी किया है, आपका तिरस्कार भी किया है, बस इतनी कृपा करना प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो आपका अपमान करता है उसे तो नरक में जाना होता है, बस इतनी कृपा कर देना हे नरसिंह प्रभु कि आप हमारे पिता को नरक में
नहीं डालना। तो भगवान बड़े गद और कहा कि त्रिशप्त भी पिता पोतः पित्र भी सहते न कि बेटा तूने आज अपने पिता के बारे में मुझे संकेत किया है, लेकिन आज मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूं कि तेरे कुल में जन्म लेने वाला मेरा कितना भी क्यों ना अपमान करे, कितना भी मेरा तिरस्कार क्यों ना करे, भगवान कहते कि मैं उसको अपनी ओर से कभी प्राण दंड नहीं दूंगा। और आज से मैंने तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र कर दी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। त्रिशक्त भी पिता होता 21 पीढ़ियां। भोगेन पुण्यम कुशलेन पावम कलेवरम काल जवेन हित्वा। ये आदेश देकर के भगवान अपने भक्त प्रहलाद जी महाराज को जीवन का एक यथार्थ सच क्या है ये बताकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की। फिर 5 श्लोकों में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया, जिसमें वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया है कि गुरुदेव आप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान का हरि अवतार हुआ, थोड़ा हरि अवतार के भी बारे में बताइए। तो सुखदेव जी बोले कि आसीत गिरवरो राजन स्त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना व्रतश्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। देखो परीक्षित, हरि अवतार का वृत्तांत मैं आपको सुनाऊं कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और इस पर्वत पर ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ निवास करते थे। एक बार ये गजेंद्र अपने हथनियों के साथ, ये हाथी शुद्ध जल के सरोवर में जल क्रीड़ा करने को गया। जल में उतर करके ये जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा है तो उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजेंद्र का जब दर्शन किया, देखा तो चरणे रुषाग्र रही, उस हाथी का पैर पकड़ लिया कि तम गजेंद्र सयदाप संकटम प्राणस्य देही विवसो यदच्छया। सारा शरीर उस गजेंद्र का पानी में डूबने लगा और देखो 1000 वर्ष तक वो गजेंद्र युद्ध करता रहा था, 1000 वर्ष ऐसी कथा। पर जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे गजेंद्र की शक्ति तो कम हो रही थी और ग्राह की शक्ति बढ़ रही थी। उस गजेंद्र ने कहा कि जो इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं वो मेरी रक्षा करें। तो ब्रह्मा ने सुना तो ब्रह्मा बोले कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, तो गजेंद्र मुझे बुला रहा है, चलो गजेंद्र की रक्षा करें। लेकिन फिर गजेंद्र ने कहा कि जो इस संसार को प्रलय की ओर ले जाते हैं वो प्रभु मेरी रक्षा करें, क्योंकि व्यक्ति जब घबराया हुआ होता है, भय में होता है, गिर जाता है तो सबको बुलाता है, कोई मेरी रक्षा, कोई रक्षा। तो कहा कि वो मेरी रक्षा करें जो संसार को प्रलय की ओर ले जाते हैं। तो भगवान शिव ने सुना कि गजेंद्र मुझे बुला रहा है, क्योंकि प्रलय करने का काम तो हमारा है, चलो। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठ करके लौट गए। भगवान शंकर जब चले तो उस गजेंद्र ने कहा कि ओम नमो भगवते
तस्मै यत एदच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। जिनके अनंत अनंत रूप हैं, जो अनेक रूप में भी हैं, अनंत उनके नाम हैं, अनंत उनके रूप हैं। यहां गजेंद्र ने कोई विशेष संकेत नहीं किया, ब्रह्मा के लिए संकेत किया, भगवान शिव के लिए संकेत किया, लेकिन अंत में जब भगवान नारायण को पुकारा कि जिनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें, तो भगवान कहते हैं कि जिनका ना कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, वो तो मैं ही हूं। अनेक रूपों में भी मैं हूं, अनेक नामों में भी मैं हूं। सभी नाम मेरे हैं और मेरा कोई नाम भी नहीं है, सभी रूप मेरे हैं और मेरा कोई रूप भी नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि गजेंद्र मुझे ही बुला रहा है, तो भगवान अपने पार्षद गरुण से कहते हैं कि भैया गरुण चलो। गरुण ने कहा कहां, अरे मेरा भक्त बुला रहा है, मुझे रक्षा करनी है। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं है। भगवान बोले आज हमारा ड्राइवर ने हमको जवाब दे दिया। भगवान बोले यदि ये हमारी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी, इससे बढ़िया गाड़ी तो मैं स्वयं चलाना जानता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान उस गरुण का अहंकार दूर करने के लिए बिना वाहन के नंगे पांव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जब श्री हरि चलने लगे तो पीछे पीछे गरुण जी महाराज आए। गरुण जी ने कहा कि प्रभु अपराध क्षमा करिए, विराज गए। भगवान ने कहा कि अब तेरी सवारी हम नहीं करेंगे, तेरे ऊपर नहीं बैठेंगे। बोले प्रभु कब तक, इतना बड़ा दंड दे रहे हो? तो गरुण जी से भगवान ने कहा नहीं बैठूंगा, लेकिन तब तक नहीं बैठूंगा जब तक अपने भक्त की रक्षा न कर दो। तो भगवान उसी समय आए और आकर के प्रभु सरोवर के तट पर खड़े हुए सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दिया और उस सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बोलो हरि भगवान। जिसने पांव पकड़ रखा है, दिव्य रूप उसे प्रभु ने दिया। देखो प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान पहले ग्राहक को अपना परम धाम दे रहे हैं, गजेंद्र को नहीं। बहुत से लोग इस बात में निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि महाराज हमसे तो इतना भजन नहीं बनता, इतनी साधना नहीं होती, इतना उपासना नहीं होती, तो क्या हम पर प्रभु की कृपा या भगवत दर्शन हो सकता है? इसके लिए प्रसंग को समझ लेना, क्योंकि भक्तों ने भागवत में कहा है कि दासान दासो भवितास्म भूय। यदि प्रभु आप हमें अपना दास न बनाओ तो कोई बात नहीं, हमें अपने दासों का दासों का दासों का दास ही बना दो। माने यदि हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की इतनी योग्यता नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतना भजन हमारे अंदर नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि कोई संत का हम जब चरणों का आश्रय ले लेते हैं, पर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि चरण पकड़ लो। अब कोई संत जा रहा हो और चरण कस के पकड़ लिया तो वो तो गिरेगा ही। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं, चरण पकड़ने का अर्थ है
उनके सानिध्य में रहना, उनके आश्रय में रहना, ये चरणाश्रय लेना। पकड़ना ही केवल नहीं होता है, कभी कभी लोग समझते हैं कि चरण पकड़कर ही के हमारा उद्धार होगा। अच्छी बात है, चरण छूना चरण पकड़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा ख्याल भी करना चाहिए कि भाई जिसके हम चरण पकड़ रहे कहीं वो गिरी ना जाए, कोई ऐसा भी थोड़ा सा हमको सोचना तो पड़ेगा। चरणों का आश्रय ही सबसे बड़ा है। तो भगवान इस लीला में संकेत कर रहे हैं कि जो किसी भक्त का चरण भी पकड़ लेता है तो भगवान उस संत को पीछे उद्धार करते हैं, पहले चरण के चरण पकड़ने वाले का प्रभु उद्धार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जैसे पहले भगवान ने गजेंद्र को नहीं तारा, पहले भगवान ने ग्राह को अपना धाम दिया। भगवान उतरे और उतर करके प्रभु सीढ़ियों से, गजेंद्र 1000 वर्ष से पड़ा था उस कीचड़ में। संत लोग बड़ा सुंदर एक भाव प्रकट करते हैं कि भगवान को प्रणाम करने के लिए, स्पर्श करने के लिए गजेंद्र बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तो संत एक बड़ा सुंदर यहां चर्चा करते हैं कि भगवान ने देखा कि बार बार अपना पांव उठा रहा है तो बाहर निकलना चाहता है इस गंदगी से, तो जो गजेंद्र ने अपना पैर उठाया तो भगवान ने उसी समय उस गजेंद्र के पैर का स्पर्श करके उसको बाहर खींचना चाहा, तो गजेंद्र का स्पर्श होते ही उस गजेंद्र ने भी गजेंद्र की योनि छोड़ दी और दिव्य शरीर धारण कर लिया और भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान।